वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। ब्लैक फंगस और म्यूकर माइकोसिस ये नए प्रकार की एक कोरोना संक्रमित बीमारी है। ये साथियों, इस ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पर आपको मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश क्या है, सफाई दवाई और कड़ाई जीतेंगे कोरोना से लड़ाई, यह संदेश के साथ हम ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस के क्या लक्षण हैं, किस प्रकार से हमें बचाव करनी चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर मिल सकें। तो साथियों, देखते हैं ब्लैक फंगस क्या है और उसके क्या लक्षण हैं, किस प्रकार से हमें सावधानी रखनी चाहिए। सफाई दवाई और कड़ाई जीतेंगे कोरोना से लड़ाई। ब्लैक फंगस ये साथियों एक नए प्रकार का कोरोना का एक सिम्टम्स है, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं। म्यूकर माइकोसिस क्या है और उसकी क्या जानकारी और बचाव के संपूर्ण जानकारी आप देखेंगे। ब्लैक फंगस एक फंगस का इन्फेक्शन है जो चेहरे, नाक, आँख और दिमाग में तेज़ी से फैलता है। किसे हो सकता है? कोविड उपचार के दौरान अत्यधिक स्टेरॉयड दवा का सेवन करने वाले मरीजों को कोविड के दौरान ऑक्सीजन पर या आईसीयू में अधिक समय तक रहने वाले मरीजों को, अनियंत्रित डायबिटीज या शुगर वाले मरीजों को, कैंसर व किडनी ट्रांसप्लांट वाले मरीजों को, इस प्रकार के मरीजों को ये बीमारी हो सकती है। और इसके लक्षण क्या रहेंगे? बुखार, सर दर्द, खांसी, सांस फूलना, नाक बंद, नाक में म्यूकस के साथ खून आना, आँख में दर्द, आँख फूल जाना, चीज़ों का दो दो दिखाई देना या दिखना बंद हो जाना, चेहरे में एक तरफ दर्द, सूजन या सुन्न होना, छूने पर छूने का एहसास न होना, दांत में दर्द, दांत हिलना, चबाने पर दर्द होना, उल्टी या खांसने पर बलगम में खून आना, यह उसके लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। और हमें क्या करना चाहिए? ब्लैक फंगस के कोई भी लक्षण होने पर तत्काल सरकारी अस्पताल में दिखाएं या विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करें। नाक, कान, गले, आँख, मेडिसिन चेस्ट या प्लास्टिक सर्जन विशेषज्ञ से तुरंत परामर्श कर इलाज शुरू करें। हमें सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए साथियों? स्वयं या किसी गैर विशेषज्ञ चिकित्सक, दोस्त, मित्र या रिश्तेदार के कहने पर स्टेरॉयड दवा बिल्कुल भी शुरू ना करें। लक्षण के पहले 5 से 7 दिनों में स्टेरॉयड लेने से दुष्परिणाम होते हैं। बीमारी शुरू होते ही स्टेरॉयड शुरू ना करें, इससे बीमारी बढ़ जाती है। विशेषज्ञ चिकित्सक केवल गंभीर गरीबों को कई जांचों के बाद ही स्टेरॉयड के सेवन की सलाह देते हैं गंभीर मरीजों को कई जांचों के बाद ही स्टेरॉयड के सेवन की सलाह देते हैं, वह भी केवल 5 से 10 दिनों के लिए। स्टेरॉयड शुरू होने पर विशेषज्ञ चिकित्सक के नियमित संपर्क में रहें। अगर घर पर ऑक्सीजन लगाया जा रहा है तो बोतल में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी या नॉर्मल सलाइन डालें। ऐसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती होना बेहतर होगा। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है आपके साथ। ये साथियों माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आदेश है और उन्होंने इसे प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह संदेश पहुँचे, ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी।
प्रत्येक भारतवासी को हो यह और उससे क्या बचाव किया जा सके। यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने रिश्तेदारों को, साथियों को, ताकि कोई भी ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस के कारण संक्रमित ना हो सके, उससे बच सके। और यदि वीडियो यह आपको उपयोगी लगा हो तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।